हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चना, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चना जो करीबन 200 ग्राम है। उसके बाद हमने प्याज को बारीक कट कर लिया है, टमाटर एक टमाटर को जिसे हमने कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया जिसे हमने कट कर लिया है, और दो मिर्च लिया है। उसके बाद हम लेंगे सूखा मसाला। सबसे पहले हमने लिया है थोड़ा सा हल्दी, उसके बाद गुलकी जीरा का पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट कर रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने काट कर रखा था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्च और धनिया पत्ती। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्च जो हमने काट कर रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ मिर्च, प्याज, टमाटर ऐड हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो सूखा मसाला हमने तैयार किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ सूखा मसाला हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। हम इसमें बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल ऐड कर चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है बस। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। फ्लेम को हम अभी तेज़ ही रखेंगे, बाद में फिर धीमा कर देंगे। देखिए इसमें सीटी लगना जो है वो स्टार्ट हो गया। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। 2 सीटी इसमें और लगाना, उसके बाद इसको फ्लेम बंद कर देना। आप देख सकते हैं हमारा चना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, अब सर्व करके दिखाते हैं। देखिए हमारा जो चना बनकर है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ती जो हमने काटा था ये इस पर डालेंगे। अब देख सकते हैं ये कितना अच्छा बनकर रेडी हो गया है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। आप भी ज़रूर बनाएं इसे और खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिए आप अपना, टेक केयर।